आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में किस तरह से जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को हवा में उड़ाया जाता है, इसकी वानगी अगर देखना है तो नगरपालिका परिषद में देखी जा सकती है। कोविड काल के दौरान, कोविड काल के उपरांत सिवनी में सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए थे। एक सेल्फी पॉइंट सर्किट हाउस के सामने, सर्किट हाउस आपको दिख रहा होगा विश्राम भवन सिवनी का, और उसके ठीक बाजू में मोगली की प्रतिमा भी आपको दिखाई दे रही होगी। इस आई लव सिवनी, इससे मोगली की प्रतिमा पूरी तरह ढक चुकी है। पता नहीं सिवनी में किस तरह के कर्णधार, किस तरह के इंजीनियर्स, किस तरह के कर्ता धर्ता नगरपालिका परिषद के सलाहकार या नगरपालिका परिषद में बैठे हुए हैं, पदों पर हैं, जिन्हें क्या करना है इसका शायद इल्म बहुत ज़्यादा नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आई लव माई सिवनी आपको दिख रहा होगा और इसके पीछे मोगली की प्रतिमा भी आपको दिखाई दे रही होगी। मोगली की प्रतिमा पूरी तरह यहाँ आपको ढकी हुई दिखाई दे रही होगी। अगर आप जबलपुर की ओर से आ रहे हैं तो ये आपको प्रतिमा यहाँ पर ढकी दिखाई दे जाएगी। सिवनी का वा टूट कर गिर चुका है। इसके पहले आई लव सिवनी का दिल एक जो दलसागर के मुहाने पर लगा हुआ था, वहाँ पर दिल टूट कर गिर गया था। नगरपालिका परिषद के पास भी एक लगाया गया है, ये कलेक्टर बंगले के लिए जाने वाला मार्ग। जिलाधिकारी इसके पहले वाले जितने भी जिलाधिकारी रहे हैं, प्रवीण सिंह अढ़ायच के उपरांत पे यहाँ से होकर गुजरे हैं। इस बोर्ड को लगने के उपरांत वर्तमान में जिला कलेक्टर संस्कृति जैन यहाँ से होकर गुजरती होंगी। और इस ये जो यहाँ पर वाह यहाँ पर गायब हुआ है, इसे बहुत छोटी घटना इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जनता के गाढ़े पसीने की कमाई की होली खेलती नजर आती है नगर पालिका। ये देखिए एक और यहाँ पर हुटर वाली गाड़ी जा रही है, अर्थात किसी अधिकारी की ही का ही वाहन ये होगा, निश्चित तौर पर होगा। पुलिस कंट्रोल रूम सामने है, पुलिस का वाहन भी आपको जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। सर्किट हाउस ठीक सामने, मुख्य द्वार सर्किट हाउस का दिख रहा है और बेतरतीब तरीके से बड़े हुए वृक्षों की टहनियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये मार्ग जो आ रहा है, कचहरी चौक से मार्ग आ रहा है और सर्किट हाउस चौराहे पर ये बाईं तरफ आप देखिए यहाँ अतिक्रमण कर लिया गया है। सब्जी वाले और अन्य लोग यहाँ लगातार रोज ही बैठा करते हैं और ये एसपी बंगले की ओर जाने वाला मार्ग यहाँ बाईं तरफ अगर आप देखेंगे कचहरी चौक के मार्ग पर तो अतिक्रमण यहाँ आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। कुछ समय बाद यहाँ पक्का अतिक्रमण कर लिया जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विश्राम भवन के मुख्य द्वार पर आई लव सिवनी सेल्फी पॉइंट बनाया गया और अगर आप यहां सेल्फी लेने के लिए खड़े होते हैं तो वाहन अगर कोई सर्किट हाउस के अंदर जा रहा है तो दुर्घटना की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस आई लव सिवनी को और अगर सर्किट हाउस के द्वार के पास लगा दिया जाता या दूसरी तरफ दाईं ओर लगा दिया जाता तो कुछ बात बनती हुई दिखती, पर यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सिवनी का वाह आपको अब स्पष्ट तौर पर गायब दिखाई दे रहा होगा। कितनी राशि इसके ऊपर खर्च की गई, इसमें अगर आप इसकी जानकारी सूचना के अधिकार में चाहेंगे तो सूचना के अधिकार में प्राप्त नहीं होगी। विश्राम भवन सिवनी का आपको दिख रहा होगा यहाँ सामने लिखा हुआ है। इसके बारे में अगर आप सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करेंगे तो सीएम हेल्पलाइन में आपकी शिकायत को गलत जवाब देकर बंद करा दिया जाएगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है, ऐसा प्रतीत होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिलाधिकारी संस्कृति जैन, चूंकि वे नगर निगम आयुक्त रही हैं इसलिए वे स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली से बेहतर परिचित हैं। उन्हें चाहिए कि वे एक बार सिवनी में कितने सेल्फी पॉइंट बने हैं और उन सेल्फी पॉइंट पर कितनी राशि खर्च की गई इसकी जानकारी जरूर लें। सिवनी के विधायक दिनेश राय को भी चाहिए कि वे एक बार सेल्फी पॉइंट्स के संबंध में दरियाफ्त करें। सांसद भारती पारदी भी एक बार दरियाफ्त करें कि आखिर कितनी राशि यहाँ पर खर्च की गई है। नगरपालिका परिषद की बेडंगी चाल रुकने का नाम लेती नहीं दिखती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए
अखिलेश दुबे की रिपोर्ट आप नीचे देख सकते हैं। नीचे कुछ इबारत लिखी हुई है पर वो नीचे घास इस कदर बढ़ गई है कि आपको कुछ भी पढ़ते नहीं बन पाएगा। नगरपालिका परिषद लिखा हुआ दिख रहा है और मुख्य द्वार सर्किट हाउस का, विश्राम भवन का मुख्य द्वार, मुख्य द्वार के करीब ही ये आप यहाँ पर सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं जिसका सिवनी का वा गायब हो गया है। आई लव सिवनी, सिवनी का वा यहाँ गायब दिख रहा होगा और ये आलम लगभग 2 से 3 महीने से चला आ रहा है। किसी को भी इस बात की स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 नीचे लिखा हुआ है जो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पढ़ेंगे। और ये सब कंट्रोल रूम, ये जबलपुर जाने वाला मार्ग ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। जो भी लोग यहाँ आते होंगे, आगंतुक आते होंगे, यहाँ से होकर गुजरते होंगे, वे सिवनी की क्या छवि लेकर जा रहे होंगे इस बारे में विचार करने की जरूरत। सांसद भारती पारदी, विधायक सिवनी दिनेश राय, नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, दोनों नगर मंडलों के अध्यक्ष, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, इन सबको इस संबंध में विचार करने की महती जरूरत महसूस हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।